थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड इन दर एटीन सेवेंटी फाइव बाई सी जमोन वट डज दिस थियोरी सेज ओके तो ये थ्योरी क्या बोलती है बेसिकली सन स्पॉट्स आर द स्टॉम्स ऑन द सर्फेस ऑफ द सन कॉज्ड बाय द वोलेंट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन तो सन स्पॉट थ्योरी का नाम क्या है सन तो सनस्पॉट थ्योरी में सन स्पॉट क्या होता है सो सनस्पॉट आर द स्टॉम्स स्टॉम्स ऑन द सर्फेस ऑफ द सन कॉज बाय वॉयेंट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स अब ये जो वॉयेंट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स है, जो कि ऑन द सर्फेस ऑफ सन होता है ये हमारी बिजनेस एक्टिविटी को कैसे अफेक्ट करेगा ये तो सन तो ऊपर है ठीक है तो बिजनेस एक्टिविटी को ये कैसे अफेक्ट करता है तो क्या होता है बेसिकली की वजह से क्या होता था अपने वेदर कंडीशंस जो होते थे वेदर कंडीशंस उसमें चेंजेस आता था ओके चेंजेस वेदर कंडीशंस में चेंजेस आने की वजह से ऐसा कौन सा सेक्टर है हमारी इकोनॉमी का जो सबसे ज़्यादा जिसमें इफ़ेक्ट होता था एंड यू ऑल नो दैट सेक्टर इज आर एग्रीकल्चरल सेक्टर तो अब अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर में एग्रीकल्चरल सेक्टर में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आता था उसकी वजह से इसमें फ्लक्चुएशंस होने की वजह से क्या फर्दर क्या होता था अपनी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्टिविटी उसमें फ्लक्चुएशन आने लगा ठीक है उसके बाद ये एक सेक्टर में फ्लक्चुएशन आने की वजह वजह से वो पूरी इकोनॉमी में स्प्रेड हो गया ठीक है तो स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारे सन से सनस्पॉट्स बेसिकली क्या होते हैं स्टॉम्स ऑन द सरफेस ऑफ द सन विच आर कॉज बाय वोलेंट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अब की वजह से हमारे चेंजेस होते थे वेदर कंडीशंस में और वेदर कंडीशंस में चेंज हो रहा है तो सबसे ज्यादा कौन सा हमारा सेक्टर है जो अफेक्ट होता था वो हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर था उसमें उसके प्रोडक्शन में उसके उससे रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटी में उसमें फ्लक्चुएशंस आता था उसके बाद फिर एक सेक्टर में ऐसा होने की वजह से इट स्प्रेड्स अमंग द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ आर इकोनॉमी एज वेल अब हो गया

उसके इनकम में इफेक्ट आने की वजह से जो प्रोडक्शन था जो फार्मर्स को इंडस्ट्रियल सेक्टर से चाहिए था क्योंकि अब फार्मर्स के पास तो इनकम है नहीं तो प्रोडक्शन जो उनको इंडस्ट्री से चाहिए था वो भी कम हो गया ठीक है तो ऐसे करके ये साइकिल चलता जाता है उसके बाद से फ्लक्चुएशन हमको देखने मिलता है सो तो एक सेक्टर एग्रीकल्चरल सेक्टर यहाँ अफेक्ट हुआ उसकी वजह से फार्मर्स अफेक्ट हुए उसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर अफेक्ट हुआ ठीक है दिस इज़ हाउ द टाइमलाइन गोज़ आई होप द थियोयरी इज क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल इकॉल इक्स Thank you.